इधर चोमू के गोविंदगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोविंदगढ़ में फायरिंग की घटना से दहशत का माहौल हुआ है। स्टाम्प पेंडर की दुकान में दो युवकों ने फायरिंग कर दी है। गनीमत रही दुकानदार के पास से ही गोली निकल गई। पंचायत समिति के सामने स्टाम्प पेंडर की यह दुकान है। सूचना मिलने पर आरपीएस अनिल माहेश्वरी मौके पर पहुंचे हुए और एक युवक को पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया, दूसरा फरार हो गया है। पकड़े गए युवक का नाम मदन मीणा बताया जा रहा है, दूसरे युवक की पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। तो चोमू के गोविंदगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक दो युवकों ने स्टाम्प वेंडर पर फायरिंग कर दी है। गनीमत रही कि स्टाम्प वेंडर के पास से गोली निकल गई। पंचायत समिति के सामने स्टाम्प वेंडर की दुकान है। सूचना मिलने पर आरपीएस अधिकारी अनिल माहेश्वरी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने एक युवक को डिटेन कर लिया है और दूसरा फरार है। पकड़े गए युवक का नाम मदन मीणा हमारे साथ हमारे सहयोगी डीके कुमावत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस क्या कुछ कह रही है डीके इस पूरे मामले को लेकर? एक को अभी डिटेन किया है, दूसरे की तलाश जारी है। हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा, गोविंदगढ़ कस्बे में पंचायत समिति के बाद फायरिंग की घटना के बाद दहशत का माहौल हो गया जी। दरअसल एक बाइक पर आए दो युवकों ने स्टाम्प वेंडर की दुकान में घुसकर फायरिंग कर दी। गनीमत रही की गोली दुकानदार को छूकर फर्श पर जा लगी, दुकानदार बाल बाल बच गया। इधर मामले की सूचना मिलने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, तो वहीं पर आरिज अनिल माहेश्वरी में जाते ही मौके पर पहुंचे जी। डीके, क्या ये कोई पुरानी रंजिश का मामला है, क्या कुछ ये पूरा मामला निकल कर आया है सामने? अभी तक कुछ बता नहीं सकते, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। तो ये थे हमारे सहयोगी डीके कुमावत जो इस खबर पर जानकारी साझा कर रहे थे। गोविंदगढ़ में स्टाम्प वेंडर की दुकान पर दो युवकों ने फायरिंग की, फिलहाल पुलिस ने एक को डिटेन कर लिया है, दूसरे की तलाश की जा रही है।